हेलो दोस्तों, बिहार वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की खबर आई है। अब बिहार में पटना के अलावा और भी चार बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल से आज के इस वीडियो में कि किन किन सिटीज में चलेगी मेट्रो ट्रेन और इसके ऊपर क्या सब काम अभी तक हुआ है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बिहार में अभी सिर्फ पटना सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है जो 5 चरणों में पूरा होगा। इसके अलावा बिहार के 4 और सिटीज में मेट्रो चलाने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें पहला सिटी है मोक्ष नगरी गया। जी हां दोस्तों, गया जिसे पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा सिटी भी बोला जाता है, इस सिटी में अब मेट्रो चलाई जाएगी। गया में बहुत से देश और राज्यों से लोग आते हैं और सिटी के पॉपुलेशन के कारण यहां अक्सर जाम लगते रहता है। लेकिन जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यहां पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था, लेकिन इस सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट आने के बाद इस सिटी को भी जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा दूसरा सिटी है दरभंगा। बिहार का सांस्कृतिक राजधानी और मिथिलांचल का केंद्र कहे जाने वाले दरभंगा में भी मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी, क्योंकि ये सिटी भी बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है और फिलहाल में जाम की समस्या और एम्स बनने के बाद यहाँ के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ मेट्रो की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दरभंगा में भी मेट्रो प्रोजेक्ट सेवा शुरू की जाएगी। तीसरा जो शहर है वो है मुजफ्फरपुर। बिहार का बिजनेस हब और एक बड़ा सिटी होने के नाते इस सिटी में मेट्रो की जरूरत है और पहले से यहाँ एयरपोर्ट की मांग उठती रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। लेकिन कम से कम मेट्रो चलाने से यहाँ के लोगों को जाम से मुक्ति तो जरूर ही मिलेगी। चौथा सिटी है भागलपुर। बिहार के सिल्क सिटी में भी मेट्रो चलाई जाएगी, क्योंकि इस सिटी का भी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है जिससे यहाँ जाम लगते रहता है। इसके अलावा यहाँ भी एयरपोर्ट की मांग उठती रही है, लेकिन यहाँ पर भी कोई इससे रिलेटेड काम अभी तक नहीं हो पाया है। बिहार के इन सिटीज में मेट्रो चलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा तो मंजूरी दे दी गई है, लेकिन मेट्रो बनने से पहले केंद्र सरकार और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विभाग द्वारा इन सिटीज का निरीक्षण किया जाएगा। ये निरीक्षण कई सारे आधारों पर किया जाएगा, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके कई सारे पहलुओं को देखने के बाद ही इन सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, जिससे मेट्रो रेल वाले को भी फायदा मिलेगा। अगर मेट्रो प्रोजेक्ट इन सिटीज में चलाई जाती है तो जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही में समय भी बचेगा। समय पर सभी लोग अपने काम पे पहुंच पाएंगे, बहुत से मरीजों का भी जान बचाया जा सकेगा, क्योंकि मेट्रो बनने के बाद रोड से भीड़ बहुत हद तक कम हो जाएगा और एम्बुलेंस को रास्ता आसानी से मिल पाएगा। इन शहरों के अलावा बिहार के और भी कई सिटी में आवाज़ उठाई जा रही है मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, जैसे पूर्णिया, बिहार शरीफ। 4 शहर में मेट्रो के रेल के परिचालन की का निर्णय लिया है, इसकी सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है। मुजफ्फरपुर में मेट्रो रेल, गया में मेट्रो रेल, दरभंगा में मेट्रो रेल और भागलपुर में मेट्रो रेल। तो दोस्तों, आप क्या क्या सोचना है, बिहार के और किन किन सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए या फिर मेट्रो के अलावा और भी कोई समाधान है जाम से मुक्ति का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।